गोरखपुर की एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 अंतर्राष्ट्रीय शातिर तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके पास से एसटीएफ ने लगभग 2 करोड़ रुपए में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पकड़े गए तस्करों की पहचान यूपी के देवरिया जिले के थाना बरहज निवासी संजय सिंह पुत्र केदार सिंह राजस्थान प्रदेश के थाना थातुली निवासी इरशाद मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहीम तथा मोहम्मद शुएब पुत्र अब्दुल सत्तार के रूप में हुई है। इनके पास से एसटीएफ ने 2 किलोग्राम में क्यूलोन, 1 स्कूटी, 3 मोबाइल सेट, 2 आधार कार्ड, 1 DL, 2 ATM कार्ड तथा 4700 रुपये नगद बरामद किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर एसटीएफ के प्रभारी सत प्रकाश सिंह ने बताया कि काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि नेपाल के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। इसकी सूचना के आधार पर धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 8 के निकास की तरफ से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।